सो वेलकम बैक टू फ्राइडे व्लॉग। आज है तीज, सो सबको हैप्पी तीज। तो तीज के बारे में आई थिंक मम्मी ही ज़्यादा बेटर से बताए तो अच्छा होगा, जिनको नहीं पता है तीज क्या होता है। तीज अपने सुहाग के लिए किया जाता है जो कि बिहार में मनाया जाता है, और इसमें 24 आवर बिना पानी उनी के रहा जाता है। तो ऊपर से जब इतनी गर्मी हो तो बिना पानी वानी के, और अगर आप सो गए तो लगभग पानी नहीं पीते। जैसे कल हम 12 बजे रात में पानी पिए, आज के दिन 24 आवर नहीं पीना है, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में 6-7 बजे के बाद पूजा करने के बाद पानी पीना रहता है। तो आप उस पर सो भी नहीं सकते, अगर आप सो गए तो बिच्छू सांप आप पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू पंडित जी। पिएंगे तो ये जानवर बन जाएंगे, सोएंगे तो ये जानवर बन जाएंगे, तो काफी हेक्टिक रहता है। पर इस बार मम्मी नहीं कर रही है क्योंकि मम्मी के हेल्थ की वजह से, प्लस मेडिसिन वगैरह जरूरी था। तो हम लोग एक दिन लेट हैं बस मेहंदी लगवाने में। एक्चुअली बोल तो रहे थे कल ही, बट मम्मी कल एक बार बोली छोड़ो तो खुद में भी आलस आ गया। तो आज हम लोग तीज के ही दिन मेहंदी लगवाने जा रहे हैं मम्मी को। तो माँ बेटी रेडी है जाने के लिए, सबका अभी पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट होने जा रहा है और हम लोग मेहंदी लगवाने जा रहे हैं। इस बार अगर मेहंदी वाला थोड़ा अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहा है कि मैडम आप आ गई मेहंदी लगवाने, वही बड़ी बात है। बड़ी बात है, उम्मीद नहीं था कि आप आइए बट आ गए। हाथ में लगाओ और रेट सही बताओ। मेरे बेवकूफ नहीं थे जो सिर्फ आज मेहंदी लगवाए, और भी लोग हमारे साथ थे। बुलाए मेहमान जैसा ये मेरे हाथ में भी। हाँ, अगर आप कभी मौर्य लोग आए तो लोग यहाँ का स्नैप तो 100% भेजते हैं, ये सबूत रहता है कि वो यहाँ पे आए हैं। तो हम लोग घर वापस आ चुके हैं। भाई अगर आपको सब्जी लेनी हो ना तो आपको मम्मी के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि उन लोग को सही रेट पता होता है, वो लोग बार्गेनिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं। और जो मेहंदी वाले ने अपना बताया ना कि वो कल सुबह 10 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक वो काम कर रहा था, काफ़ी कैश आ गया होगा उन लोग के बैंक अकाउंट में, है ना मम्मी? वही तो हम बोले कि बैंक अकाउंट तो फुल हो गया होगा, अच्छा खासा फुल हो गया होगा। पर हम लोग को काफ़ी सस्ते में निपट गए क्योंकि लास्ट डे हम लोग सही टाइम, अब से हम लोग को इसी टाइम पे जाना चाहिए, सस्ते में मेहंदी लग के निपट जाएंगे। और चूड़ी भी है अपने लिए, आपको व्लॉग्स के ही सारे पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। अभी मम्मी जिद्दी एक नया सब्जी खिला ही दी है बोल के कि तुम खाती हो, जबकि पता है कि वो नहीं खाते हैं, बट मम्मी वो जिद्दी आखिर खिला ही दी। वो तो याद है कि एक बार तुम चखी थी, बोली अच्छा लग रहा है इसलिए बोले खाओ, लेकिन हेल्दी सब्जी है। देखिए तेल उतना डाले थे, सब तेल वापस छोड़ दिया इतना। हाँ काफ़ी हेल्दी है, अब हर दिन खाएंगे दम स्लिम ट्रिम। तेल भी बहुत महंगा हो गया वही सब्जी खाना चाहिए। तो काफ़ी ही पैसे बचा लिए हम लोगों ने स्ट्रीट शॉपिंग करने की वजह से, उसमें मज़ा भी आता है प्लस पैसे भी अच्छे खासे बच जाते हैं। तो उसी खुशी में आज का व्लॉग करते यहीं पे एंड। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आप यूट्यूब रील जानते ही हो, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो
तो सब्सक्राइब करके जाना, और मेरा व्लॉग आता है हर मंडे वेंसडे फ्राइडे दोपहर के 12 बजे। तो अब मिलते हैं वीकेंड के बाद, और गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो वो आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।